괜찮. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. इंडियन आर्मी ने एक और साहसिक और ख़ास कदम उठाते हुए ऑपरेशन सद्भावना के तहत 14 डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को, जो कि बनिहाल और आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, एक एजुकेशनल पब्लिक मोटिवेशनल टूर के लिए ऑर्गेनाइज किया है. 10 दिन का यह टूर 30 अप्रैल को 16 कोर हेडक्वार्टर्स नगरोटा से फ्लैग ऑफ हुआ था. इस टूर के दौरान हम दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी जाएंगे, जहां पे इन बच्चों को हमारे महान देश की संस्कृति, इतिहास और तरक्की के बारे में बताएंगे. ये बच्चे अपने गांव से पहली बार बाहर आ रहे हैं और इस टूर के दौरान ये देखेंगे कि हमारे देश कितनी तरक्की कर रही है और जहाँ पे अमन और शांति है वहाँ पे कितनी रफ्तार से तरक्की होती है ये देखेंगे. और जब ये वापस जाएंगे अपने गांव में तो ये पैगाम अपने गांव वालों को, रिश्तेदारों को और आसपास के रहने वालों को बताएंगे और कोशिश करेंगे कि वे भी अपने मुल्क में, अपने एरिया में अमन और शांति लाएंगे, ताकि हमारा देश का वो हिस्सा भी ऐसे ही आगे तरक्की करेगी. अब मैं इस टूर पार्टी में से एक टीचर को अनुरोध करूंगा कि वो दो सबके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. इज्तिमा जनाब सदर जमहूरिया हिंद जनाब प्रणब मुखर्जी व दीगर अफसरान साहिब, अजीज़ तुलबा, आदाब असलाम. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा. हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से मिलता है चमन में दीदवर पैदा. मैं इरशाद अहमद, इलाका सेनापति, रियासत जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ. बहरहाल सबसे पहले मैं हिंदुस्तान की फ़ौज का तह दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया हम अदा करते हैं कि जिन्होंने इलाका बानिहाल के गुर्दनवा इलाकों के दूर दराज 14 नाखेज बच्चों, 5 वालदेन और 2 असातिज़ा किराम को बैरून रियासत पे आने का मौका दिया. बहरहाल हम इनका तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. बाद अज़ां ये दूर दराज इलाके के रहने वाले तुलबा, जो कि बहुत ही गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका आना जाना जो था, जो वो दूसरों के ज़रिए स्कूल तक आना ले जाना, मिसाल जो दूसरे आदमी थे वो उनको कंधों पे उठा के स्कूल ले जाया करते थे. तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल फोर्स हमारी काफ़ी मदद करती है. ये घर घर आए, लोगों को समझाया, कुछ बच्चों को व्हील चेयर्स फ्राहम की, जो कि इतनी उकत नहीं रख सकते थे कि व्हील चेयर्स खरीद सकें, और ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि हम जनाब प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर सकें. बहरहाल ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए मैं हिंदुस्तान की फ़ौज का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतनी सहूलियात हमारे इलाके के लिए ये दस्तयाब की. और इंशाल्लाह रहमान हमें उम्मीद रखते हैं कि हम यहाँ से जाते ही अपने गांव, हर जगह ये ज़रूर
क्या कहते हैं उसको मैसेज पास करेंगे कि बाकी इलाकों में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। हम मुझे इस वक्त आंसू आ रहे हैं कि काश हमारा जम्मू और कश्मीर भी इस सतह पर होता। बहरहाल ज़्यादा ना वक्त लेते हुए मैं इन्हीं अल्फाजों से अलविदा होता हूँ। शुक्रिया, आदाब। सबसे पहले मैं अभी सबको राष्ट्रपति भवन में स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी हो रहा है, मैं हमारी फौज की काउंटर इंसर्जेंसी जो यूनिट है डेल्टा फोर्स, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया आपको स्वागत करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, अपने जो आपका एक्सपीरियंस बनिहाल से निकालकर दिल्ली से बनिहाल दूर दराज से अवस्थित है उधर से निकालकर दिल्ली तक आए, दिल्ली का आसपास आपको देखने का मौका मिलेगा। मुझे बताया बनिहाल से पहले आप बाहर आ रहा है, आप सभी जब वापस जाएंगे तो लोगों ने आपको पूछेंगे कि तुमने क्या देखा, क्या सोचा, कैसे उधर में रहने वाले लोगों ने तुमको स्वागत किया, कैसे पैर किया। तो इसलिए ये प्रोग्राम कार्यक्रम बनाना बहुत जरूरी था। आपने कहा सारे यहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान के हिस्सा आपके खूबसूरत मुल्क जम्मू कश्मीर खास करके बनिहाल की है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। आप सभी लोग हिंदुस्तान को रहने वाले हैं, तो ये भावना पैदा करने के लिए ये जरूरी है ये एक जगह में रहने वाले भाइयों बहनों को दूसरा जगह में जाना, देखना ये कैसे हमारे देश, इतना बड़ा देश, नाथ से जम्मू कश्मीर लेकर लद्दाख से सबसे दक्षिण में वो श्रीलंका का बगल में भारत समुद्र का किनारी, तीन समुद्र उधर एक जगह में इकट्ठा हुआ मिशा, चाहे हिंद महासागर हो, बंगोपसागर हो, अरब सागर हो, उसके किनारे तक हमारा देश का इलाका है। हमारे पूर्व में चाहे म्यांमार के प्रांत में मिजोरम ऐसा एक मुलुक है, पहाड़ी इलाका, लेकिन मिजोरम के लेकर पश्चिम अरब सागर के किनारे द्वारका तक हमारे देश का सीमा है। ये देश सबसे सारे जहाँ से अच्छा देश है, बहुत पुराना देश है। आप जो दिल्ली में घूम रहा है, आज कुतुब मीनार गया, और भी दो चार जगह आप जाएंगे, आगरा जाएंगे, आप देखेंगे बादशाह शाहजहाँ कैसा खूबसूरत ताजमहल बनाया, अकबर जिसको इतिहास जानने वाला लोग सोचते हैं, सारी दुनिया में जो बड़ा बड़ा महाराजा राजा को पैदा हुआ, जो लोगों को, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए
बहुत काम किया, उनको भलाई के लिए बहुत काम किया। उससे एक ऐसा सम्राट है, सम्राट अकबर। अब देखेंगे फतेहपुर सीकरी। तो इसलिए ये दिल्ली हमारा हजारों साल पहले से ये देश का कैपिटल है। पुराना बात छोड़ के मैं जब आधुनिक युग में आएंगे देखेंगे ये हम भी आगे बढ़ रहा है यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, दुनिया के दूसरा देश के साथ। हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ने वाली जो लोग हैं वो आपका माफिकी है, आपका माफिक नौजवान है, आज के बच्चा है, कल देश के लीडर बनेगा, नेता बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा, चाहे राष्ट्रपति भी बनेगा। ये जे जो मकान में मैं आपको स्वागत करता हूँ, इतना बड़ा मकान ये अंग्रेज ने बनाया। अंग्रेज ने उसी टाइम बनाया जो लोगों ने कहता था या अंग्रेज का ऐसा एक एम्पायर है जो एम्पायर में सूर्यदेव को भी अस्त नहीं गा है, ऐसा बड़ा एम्पायर था। लेकिन हमारे लोगों ने उसमें कश्मीर के लोगों ने भी था, शेख अब्दुल्ला एक बहुत महान नेता था, उन्होंने भी भाग लिया, दूसरा लोगों ने भी भाग लिया वो अंग्रेज के ये मुल्क से हटाने के लिए। हम अंग्रेज के हटाया, हमको आज़ादी मिला। आज़ादी मिलने का बाद हमारे देश को विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए, सभी प्रांत के विकास के लिए, सभी इलाका के विकास के लिए, सभी भाइयों बहनों को विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए काम करने का मौका मिला। ये काम मिलजुल के करने होगा। मैं खुश हूँ कि हमारे जो नौजवान हमारे बॉर्डर की रक्षा के लिए, हमारे लोगों को हमारे शत्रु से मुकाबला करने के लिए, बाहर में रहने वाला शत्रु उनसे मुकाबला करने के लिए आपने जीवन पंजा में लेकर लड़ रहा है, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को भलाई करने के लिए। उसी ने ये कार्यक्रम बनाया जो आपको मौका दी, सबसे पहले आपका इलाका छोड़कर भारत के दूसरा प्रांत में आए, देखे, लोगों को साथ मिले, उसके बाद वापस जाए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको स्वागत करता हूँ। आपको ये यात्रा सुखद रहे। वापस जाने का बाद आप सबसे मिलकर आपको जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव आपको हुआ वो बताइए। एक ही अनुभव लेकर आप वापस जाएंगी कि हमको मिलजुल के रहना है, हमारे मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमारे लोगों को भलाई के लिए सब एक साथ काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।